खलनायक का सीक्वल संजय दत्त क्यों चाहते हैं कि बने? खलनायक फिल्म से पहले सुभाष गई ने माधुरी दीक्षित से नो प्रेगनेंसी क्लोज क्यों साइन करवाया? खलनायक का क्लाइमेक्स शूट होते ही संजय दत्त को जेल क्यों भेज दिया गया था? खलनायक को तेलुगु में किस नाम से बनाया गया था? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, 1993 बम्बई ब्लास्ट के बाद चीजें नॉर्मल होनी शुरू हुई थी कि बम्बई पटरी पर लौट रही थी। उस समय सुभाष गई अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कोर्ट रूम में फिल्म का क्लाइमैक्स शूट हो रहा था। इतने में खबर आई कि उनके फिल्म के हीरो पर अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगा है। सुभाष की फूक सरक गई। संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित को लेकर वो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और 1993 में फिल्म का बजट करीब 3 से 4 करोड़ के आसपास था। और फिर क्या होना था, क्लाइमेक्स के शूट होते ही संजय दत्त जेल चले गए। अब सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा था और रही डबिंग की बात, तो वो संजय दत्त जेल से बाहर आकर कर लेते थे। जब फिल्म पूरी बनकर तैयार हो गई तब तक संजय दत्त की मुश्किलें और बढ़ चुकी थी। बावजूद इसके गई फिल्म रिलीज करना चाहते थे। उनके साथ काम कर रहे लोगों का कहना था, इतना पैसा लगाकर फिल्म बनाई है, फिल्म का हीरो जेल में है, उस पर देशद्रोही होने का आरोप लग रहा है, निगेटिव इमेज बन गई है, फिल्म अभी रिलीज हुई तो पिट जाएगी। लेकिन सुभाष गई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, तो बस इसे कंफर्म करना चाहते थे। कई जगह बैन करने की मांग और विरोध प्रदर्शनों के बीच गई ने दिल्ली में अपनी फिल्म के 11 प्रीमियर शो रखे। इसमें हिंदी सिनेमा के 10 मशहूर डायरेक्टर बुलाए गए थे। उनमें शेखर कपूर, जेपी दत्ता और राकेश रोशन जैसे नाम शामिल थे। उस समय संजय दत्त भी बेल पर जेल से बाहर थे। जब संजय दत्त माधुरी दीक्षित के साथ यहां पहुंचे, हजारों की संख्या में भीड़ ने उन्हें घेर लिया और ये लोग संजय दत्त को चीयर कर रहे थे। ऐसा तकरीबन उस दिन हर शो के दौरान हुआ। गई को पता चल गया कि फिल्म पिटने तो नहीं वाली है। उन्होंने संजय दत्त की इस निगेटिव इमेज का फायदा उठाते हुए 6 अगस्त 1993 को फिल्म रिलीज कर दी और फिल्म बम्पर हिट रही थी। इनफैक्ट साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शायद खलनायक कभी बनती ही नहीं? दरअसल सुभाष गई ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक बार हॉलीवुड गए थे। वहीं के एक स्क्रिप्ट राइटर के साथ कहानी लिख रहे थे। ये 2 लड़कों की कहानी थी। गई ने वहां देखा कि यहाँ डायरेक्टरों का किसी टेक्नीशियन की तरह फिल्म में शामिल किया जाता है। उनका डायरेक्टर जो राइटर और स्टूडियो करने को कहता वो करते हैं और घर चले जाते हैं, जबकि बॉलीवुड में वो फिल्म के हर हिस्से से जुड़े रहते हैं। इंडिया लौटते वक्त फ्लाइट में उन्होंने डिसाइड किया कि हॉलीवुड नहीं जाना, अपने देश में अपने मन का काम करेंगे। उस हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट में गई ने माँ और लड़की का कैरेक्टर डाला और इसे टिपिकल मसाला फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। तो शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि एक गाने के चक्कर में बीच बचाव के लिए बाल ठाकरे को भी आना पड़ा। अब तक क्या सीन था कि सुभाष गई अपनी फिल्मों के म्यूजिक राइट HMV को बेचते थे, लेकिन इस बार गई रमेश तौरानी की टिप्स म्यूजिक की ओर बढ़ गए। गई को मार्केट का पूरा अंदाजा था, ऊपर से उनके एल्बम में चोली के पीछे क्या है जैसा गाना था, जिस राइट के लिए HMV 40 लाख रुपए दे रहा था, टिप्स ने उसे 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। पहली किस्त में ही फिल्म के 1 करोड़ म्यूजिक कैसेट बिक गए थे। हालांकि गई की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और दिल्ली के एक वकील ने फिल्म पर केस कर दिया, क्योंकि वकील साहब का 4 साल का बेटा चोली के पीछे क्या है गा रहा था। उनका आरोप था कि गई की ये फिल्म बच्चों के दिमाग को दूषित कर रही है। तो बस यही कहने की देरी थी कि कई पॉलिटिकल पार्टियों और महिलाओं से जुड़े संस्थान ने भी इसका विरोध करना चालू कर दिया। सुभाष गई बताते हैं कि वो उन दिनों 32 पार्टियों से अकेले लड़ रहे थे कि किसी गाने को गलत बताने से पहले फिल्म तो देख लो। लेकिन मामला बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में गई की मदद के लिए आगे आए बाला साहब ठाकरे। उन्होंने प्राइवेट स्क्रीनिंग में फिल्म देखी और अपने मुखपत्र सामना में इसे देशभक्ति की फिल्म बताया। बाल ठाकरे के बयान ने भले ही फिल्म और गाने को कंट्रोवर्सी से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन ये विवाद इतनी आसानी से गई का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। ये फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। यहाँ फिल्म को लेकर हुआ विवाद इन पर भारी पड़ा और नेशनल अवार्ड शाहरुख और यश चोपड़ा की फिल्म डर को मिल गया। और जहां तक बात है माधुरी दीक्षित से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाने की, तो आजकल ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि फिल्म की हीरोइनों से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया जाता है। इसका मतलब साफ है कि आप फिल्म में काम करते वक्त प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन 1990 के दशक में ये इतनी आम प्रथा नहीं थी।
हालांकि आम अब भी नहीं है क्योंकि बॉलीवुड इसे लेकर दो धड़ों में बटा हुआ है। 1993 में माधुरी से इस फिल्म के लिए नो प्रेगनेंसी क्लोज साइन करवाया गया था। कारण था उनके और संजय दत्त के बीच बढ़ती नजदीकियां। संजय दत्त फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर सबके सामने माधुरी के लिए अपने प्रेम का इजहार करते रहते थे, जबकि संजय दत्त की पत्नी ऋचा शर्मा उस समय न्यूयॉर्क में थी और कैंसर से जूझ रही थी। बावजूद इसके संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की प्रेम कहानी मैगजीन की शोभा बढ़ा रही थी। सबको लग रहा था कि ये दोनों कभी भी शादी कर सकते हैं। तो सुभाष गई ने माधुरी दीक्षित से ये क्लॉज साइन करवाया। माधुरी दीक्षित ने क्लॉज तो साइन किया लेकिन संजय दत्त से अपने रिश्ते के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। और जैसे ही संजय दत्त का नाम बंबई ब्लास्ट में आया, माधुरी दीक्षित ने उनसे दूरी बना ली। उन्होंने संजय दत्त के फोन उठाने तक बंद कर दिए थे। वहीं दोस्तों, सुभाष गई ने साल 1989 में फिल्म गौतम गोविंदा में पहली बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम किया था। इसके बाद इन्होंने कर्ज, हीरो, कर्मा और राम लखन जैसी फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन खलनायक सुभाष गई डायरेक्टर वो आखिरी फिल्म थी जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने म्यूजिक दिया था। इस फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है के लिए इला अरुण और अलका याग्निक को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था, लेकिन ये अगली बार साथ काम नहीं कर पाए। उसके बाद सुभाष गई डायरेक्शन की ओर लौटे 1997 में। गई शाहरुख खान के साथ परदेश बना रहे थे। इसी साल से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने भी काम करना बंद कर दिया। दरअसल साल 1998 में लक्ष्मीकांत की मौत के बाद ये जोड़ी टूट गई। वहीं आपको बता दें कि खलनायक इतनी बड़ी हिट हुई कि इसे तेलुगु में खेड़ी नंबर 1 नाम से बनाया गया, जिसमें विनोद कुमार ने संजय दत्त वाला किरदार निभाया था। वैसे आपको बता दें कि फिल्म का बजट भी करीब 200 करोड़ बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हो इस सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।